हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित, करता हूँ आप सभी का स्वागत अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक की। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटेक्निक की जो फर्स्ट वीडियो आई थी, इंट्रो वीडियो, उसी में एक सब्जेक्ट बताया गया था ईडी यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग। दोस्तों, इस वीडियो में इंजीनियरिंग ड्राइंग के ही बारे में बात करने वाले, यानी उसका सिलेबस क्या है और कितना पढ़ना पड़ेगा और हम पास हो सकते हैं अच्छे मार्क्स से। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं, यानी शुरू करते हैं अपने वीडियो को। दोस्तों, फाइनली हमने ये बुक परचेज कर ली है। ये देखिए आपकी रही सामने बुक, ये मैं कवर सामने करता हूँ। ये देखिए, ये रही बुक दोस्तों, इस तरह से भी देख लीजिए और कितनी मोटी है ये भी देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों आपने बुक, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो बुक है हमारी इंजीनियरिंग सार्थक का, मतलब मैंने परचेज किया है और इसके राइटर है सीएम वर्मा जी। तो दोस्तों, ये काफी अच्छी बुक है, इससे बीटीई में क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं, यानी पॉलिटेक्निक जो एग्जाम होते हैं उसमें काफी क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके भी सिलेबस की हम बात करते हैं, जैसा सभी सिलेबस की बात करें उसी तरीके इस सिलेबस का भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं इसे खोल लेता हूं और तो मैं बता देता हूं कितने सिलेबस है। जी हाँ दोस्तों, इसमें विषय सूची ये देखिएगा, ये देखिए विषय सूची, इतनी आपकी विषय सूची रही है और इस विषय सूची में कितने 14 यानी 14 आपके इसमें सिलेबस में है 14 चैप्टर। तो पहले चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। पहले चैप्टर का नाम है दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग परिचय रेखाएं तथा अक्षर। जी हाँ दोस्तों, इसको आप यदि तैयार करते हैं आपको 5 नंबर के मिल सकते हैं। 5 में से यदि आपने अच्छे से लिख दिया, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, आपको उसी को लिखना होता है, बस कुछ करना नहीं होता है। जैसे ABCD देगा, ABCD तो सभी वर्ड बनते हैं। जैसे हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी दे दिया, आपको कह दिया कि इसको कुछ देशीय दे दिया, उतने दूरी में आपको लिखना है। तो फ्री हैंड नहीं, उसको अच्छे से लिखेंगे उतनी ही दूरी में, जितना दूरी तैयार है उतने में लिखते हैं। जैसे अभी दे दिया 10 mm ऊंचाई में लिखिए, तो 10 mm ऊंचाई में दोस्तों उसको लिखते हैं। जैसे हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस तरह लिखकर दोस्तों आप 5 नंबर पा सकते हैं। इसमें कुछ लिखने के लिए ज्यादा नहीं आता, कभी काल आ जाता है तो वो भी आप चल जाएगा, वो भी बता दूंगा। तो ये दोस्तों रहा आपका पहला चैप्टर, यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग परिचय रेखाएं तथा अक्षर, इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग लाइन्स एंड लेटरिंग, ये रहा दोस्तों पहला चैप्टर। दोस्तों, दूसरे चैप्टर की हम बात करें तो है इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाली सरल ज्यामिति रचनाएं तथा वक्र, ये हमारा दूसरा चैप्टर है। इंग्लिश में इसे कहेंगे सिंपल जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस एंड कर्व्स यूज्ड इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस, तो हमारा ये रहा दोस्तों दूसरा चैप्टर। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे चैप्टर की, जिसका नाम है बीमाएं दर्शाना, कोष्टक में बीमांक है, बीमांक कर सकते हैं, बीमाएं दर्शाना यानी डायमेंशनिंग, ये हमारा तीसरा चैप्टर है। दोस्तों, चौथे चैप्टर की बात करें मापनी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको सिर्फ आप करके एक क्वेश्चन करेंगे आपके 10 नंबर लाएगी। जी हाँ दोस्तों, मापनी, मापनी में आप कई मापनी होती है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है सरल मापनी और बीकर मापनी, सिर्फ 2 मापनी आपको पढ़नी है। तो इसमें कोई आ जाता है दोस्तों, यदि बीकर मापनी आती थोड़ी वो थोड़ी टिपिकल होती है, तो उसमें दोस्तों यदि आती है तो इसमें कोई क्वेश्चन आएगा तो 10 नंबर के। जी हाँ दोस्तों, 10 नंबर यानी 10 नंबर का चौथा चैप्टर और 1 नंबर में जो पहला चैप्टर है वो 5 नंबर का, यानी 15 नंबर आपके बहुत जल्दी तैयार होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी वीडियो सबसे पहले इन्हीं दोनों की आएगी। दोस्तों, अब 5वें चैप्टर की बात करें तो प्रक्षेप का सिद्धांत तथा लंबकोणी प्रक्षेप, यानी 5वें चैप्टर है प्रक्षेप का सिद्धांत तथा लंबकोणी सिद्धांत। इंग्लिश में कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन एंड ऑटोग्राफिक प्रोजेक्शन, तो 5वां चैप्टर रहा ये दोस्तों। और छठा चैप्टर जो है 6 नंबर जो चैप्टर है उसकी बात कर लेते हैं, वो है बिंदुओं के प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, ये दोस्तों आपका 6 नंबर चैप्टर रहा। और 7वें चैप्टर की बात करें दोस्तों तो वो है सरल रेखाओं के प्रक्षेप प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्राइट लाइनिंग्स। और 8 नंबर की बात करें दोस्तों तो तलों के प्रक्षेप है यानी प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स, ये रहा दोस्तों हमारा 8 नंबर चैप्टर तलों के प्रक्षेप। और 9 नंबर चैप्टर की बात करें दोस्तों तो वो हमारा आता है 9th जो चैप्टर है तो वो है सतहों की पहचान इंडिफिनिकेशन ऑफ सरफेस, यानी सतहों की पहचान कैसे करेंगे उन सब के बारे में इसमें बताया जाएगा। और 10 नंबर की बात करें दोस्तों ठोसों के प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड, ये हमारा रहा दोस्तों 10 नंबर चैप्टर। और 11th की बात करें तो दोस्तों है वस्तुओं के काट दृश्य परिच्छेद एवं
निरूपण यानी इंस्ट्रक्शनल व्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड कन्विजन्स, ये हमारे दोस्तों रहा 11th नंबर चैप्टर। और 12th की बात करें दोस्तों तो वो है समपरिमाण प्रक्षेप यानी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। और दोस्तों 13 नंबर यानी 13 जो चैप्टर हमारा है दोस्तों वो चिन्ह तथा रूढ़ियां, ये है दोस्तों सिंबल्स एंड कन्विजेशन, ये दोस्तों रहा 13 नंबर क्वेश्चन। और 14 है ऑटो कैड, इसको इंग्लिश में भी ऑटो कैड ही बोलते हैं, ये दोस्तों रहे आपके पॉलिटेक्निक के इसके ये जो बुक है दोस्तों इसके लिए रहे आपके लिए, इसमें है आपके इसमें 14 चैप्टर इस प्रकार से दोस्तों आपके हैं, आपको सभी पढ़ना, आपको पहले भी पढ़ाया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा। और हाँ दोस्तों ये नहीं कि इसमें जैसे आपको सवाल बहुत मिलेंगे, जैसे इसमें जितनी बुक में एग्जाम्पल दिए हैं लगभग यदि 30 एग्जाम्पल 30-35 दिए हैं तो 30-35 सवाल भी दिया यानी 70 हो जाएंगे। 70 बनाने का मतलब दोस्तों 70 वीडियो हो जाएंगी जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं हल करके बता दूंगा मापनी का, जैसे चैप्टर उसमें आरएफ एक होता है यानी निरूपक भिन्न होती है और एक 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 एलओएस होता है यानी लेंथ हाफ स्केल होते हैं, यदि ये दोनों रहते हैं तो मापनी का सवाल हल हो जाता है। तो इन्हीं दोनों को सिर्फ बताऊंगा, ये नहीं कि मैं हर बार मापनी बनाऊंगा, आपको बता दूंगा आप बना लीजिएगा, दो चार बताकर बना दूंगा तो सरल मापनी और इसके बारे में, तो आप उसी तरीके से आप बना लीजिएगा। और सरल मापनी में आपको सिर्फ एलओएस उसमें भी चाहिए लेकिन वो थोड़ा सिंपल सी बनाई जाती है। तो दोस्तों मापनी में जैसे कि अब सिर्फ इन्हीं से नहीं बनेंगे, इसमें कुछ होते हैं उपकरण जो कि मैंने उसको भी परचेज कर लिया है। तो दोस्तों मैं जैसे जो वीडियो शूट करता हूँ अपने होम पर यानी घर पर ही शूट करता हूँ, तो मेरे पास वो जो क्या कहते हैं ड्राइंग टेबल जो होता है, ड्राइंग टेबल दोस्तों वो मेरे पास नहीं है, तो मैं एक जैसे गाउन तख्ता बोलते हैं और जिसे डेस्क की तरह होता है तो उस पर मैं उसको लगाकर यूज करता हूँ, हालांकि उस पर अच्छे से यूज नहीं किया जा सकता तो मैं वैसे ही करता हूँ। तो मैं दिखा उसको दिखा देता हूँ, अपने यंत्र को साइड में रखा हूँ, ये देखिए दोस्तों ये कुछ उल्टा मत समझिए दोस्तों, ये रहा बॉक्स, इस बॉक्स की क्या खासियत है, इस बॉक्स दोस्तों यहाँ से मैंने टेप लगा दी, क्यों लगा दी कि बार बार थोड़ा मैं ढीला मैंने परचेज कर लिया था तो बार बार फोल्डर, तो यहाँ से कर दिया है अपने चार्ट के साथ, ये दोस्तों चार्ट बॉक्स होता है यानी जो चार्ट ड्राइंग शीट जो होती है वो इसमें रखी जाती है। तो दोस्तों पहली जो बनाते हैं ना उसमें चार्ट ही का यूज करते हैं, क्योंकि यदि ड्राइंग का आप ड्राइंग शीट यूज करते हैं तो ड्राइंग शीट काफी महंगी आती है जो कि लगभग 10-12 रुपए की आ जाती है। तो यदि आप ड्राइंग शीट बनाते हैं बहुत ज्यादा ड्राइंग शीट खराब हो जाएंगे, आपके बहुत सारे पैसे नुकसान चले जाएंगे, इसलिए चार्ट का पहली बार में प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये रहा देखिए आपकी ये, तो इसे खोलते करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, सिर्फ थोड़ा सा इसे मूव करते हैं, तो इस तरह दोस्तों खींच लेते हैं। अब देखिए इससे मैंने कुछ चार्ट रखे, ये देखिए दोस्तों बस चार्ट को फोल्ड करके इसमें इसी तरीके से रख देते हैं, फिर इसको दोस्तों इस तरीके से बंद कर देते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि जैसे हम चार्ट कहीं ले जाएंगे तो मेरा फटेगा नहीं, यानी फट जाएगी तो मेरी ड्राइंग खराब हो जाएगी ना, तो इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं। और दोस्तों ये तो आपने देखिए इसमें साइड में रख देता हूँ दोस्तों। अब दोस्तों दिखाता हूँ ए, ये क्या है दोस्तों, इसका शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MD यानी मिनी ड्राफ्टर। ये क्या करता है दोस्तों, बहुत सारे हमारे काम कर सकता है ड्राइंग में, तो इसके जगह पर दोस्तों ये क्यों लेते हैं, जैसे एक होता है टी स्क्वायर और एक होता है सेट स्क्वायर और प्रकार चादा जिसे बोलते हैं प्रोटेक्टर, इन तीनों के स्थान पर दोस्तों ए सिर्फ अकेला कार्य कर सकता है। और इसकी प्राइस भी बता दो दोस्तों, ये लगभग 110-120 रुपए या उससे कम भी मिल जाता होगा, तो मैंने इसे परचेज किया 110 रुपए में आप लोगों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर इससे महंगा भी आता है, थोड़ा और अच्छी क्वालिटी का रहता है तो उसमें और ज्यादा सफाई की गई रहती है तो अच्छा रहता है। चलिए इसकी जल्दी से खोल कर देख लेते हैं, ये देखिए नटराज मिनी ड्राफ्टर, तो ये देखिए इस पर एक चैन लगे होते हैं तो इसे इस तरह से खोल लेते हैं और यहाँ देखिए दोस्तों इस तरह खोलते हैं, इसको दोस्तों ऐसे करते हैं और इस तरह निकाल लेते हैं। आप कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज गए होंगे तो वहां ऐसा चीज जरूर देखेंगे। इसमें इसमें क्या होता है दोस्तों, दो स्केलें लगी होती है, दोनों स्केलें जो है एक साथ लगी, ए स्केल और ए स्केल, फिर दोनों इधर भी लाइन एक साथ खींच सकते हैं एक बार दूरी फिक्स करके। और यहाँ पर दोस्तों जो होते हैं ये देखिए कोण बने हुए, ये सब जो है दोस्तों कोण बने हुए हैं, तो इसको भी हम एक बार खोलते हैं और देखते हैं किस तरह से कार्य करते हैं। ये देखिए इतना बड़ा हो जाता है दोस्तों, काफी बड़ा है। ये देखिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पर जो ड्राइंग टेबल होता है उसमें यहाँ लगा देते हैं और इसको यूज करते हैं, जहां ले जाना है ये अपना देखिए चला जाता है इस तरीके से। देखिए कितना बड़ा हो जा रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके का यूज करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों देखिए
ये जो देखिए सब है, ये तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सब बनी हुई है, जो कि जैसे प्रकार में होता है वो चाला जो होता है प्रोटेक्टर, उसमें कोण मापने का, तो ये कोण भी माप सकता है, दूरियां भी लंबाइयां भी माप सकता है, एक साथ ये भी दूरियां इधर भी माप सकता है इधर भी, तो इस तरह के काम में आते हैं। और इसे मतलब आगे पीछे जैसे इसके साथ इसके मदद से दोस्तों आप समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको मिल जाता है एक नट, एक मतलब ये है, तो इसकी मदद क्या करता है ये इसको कस कर देता है, इसको आप कस कर देंगे तो ये जो ऐसे ऐसे हिल रहा है, देखिए मैं इसको कस कर देता हूँ, ये देखिए हिलेगा जाऊंगे, तो इसके मदद से आप समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। और इसमें दोस्तों एक इसी तरीके से एक और यहाँ पर आ जाता है ये, तो इसको दोस्तों क्या करता है इसको देखिए आप ढीला कर सकते हैं, इस तरह ढीला कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ से ढीला हो रहा है। तो दोस्तों इसे क्या करते हैं, जो इसकी ड्राइंग टेबल होती है उसमें जाता है और इस तरह जब कस देते हैं तो इसमें चपक जाता है, यानी जाम हो जाता है। तो आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, जो भी करना है, जो प्रकार की इसका जो कार्य करते हैं, टी स्क्वायर सेट स्क्वायर और प्रकार, इन सब का वर्क यही कर देता है एक साथ। तो दोस्तों हम कहेंगे कि आप टी स्क्वायर सेट स्क्वायर और प्रकार नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी की मदद से तीनों काम कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको परचेज किया। और उसके साथ साथ दोस्तों आपको पेंसिल की जरूरत पड़ती है, दोस्तों पेंसिल देखिए इसकी मैंने ली है, ये देखिए फोकस कर रहा है कैमरा तो देख लीजिएगा, ये देखिए दोस्तों अप्सरा की, दोस्तों आप मार्केट में जाए तो अप्सरा की पेंसिल लीजिएगा और HB पेंसिल लीजिएगा, और छोटी बड़ी भी पेंसिल आती है नाम की, तो आप HB पेंसिल सिर्फ यूज का बी का नहीं करेंगे, नहीं एच का, 1H 2H भी आती है पेंसिल और 1B 2B आती है, तो आपको नहीं लेना है सब, लेना सिर्फ HB पेंसिल और दूसरे कंपनी का मत लीजिए, जैसे नटराज हो गया, इन सब कंपनियों का मत लीजिएगा, नहीं तो आपकी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं। मैंने इसको मतलब यूज किया तो मुझे अच्छा लगा, और कटर भी आप चाहे जो लीजिए, ये देखिए मैंने इसके लिए कटर ले लिया, ए रबर इरेजर जिसे बोलते हैं ये ले लिया, तो पेंसिल यही वाली लीजिएगा जो कि काफी स्मूथ होती है, काफी अच्छी चलती है, टूटती नहीं यहाँ से, और ये जो इसमें लकड़ियां ये जो है ये बहुत अच्छे तरीके से साफ हो जाता है और अच्छे तरीके से खींचती है। उसके बाद दोस्तों ये सेलुलोज टेप होता है ये लीजिएगा, और एक ड्राइंग क्लिप आती है, तो उसको लेने का मतलब कि दोस्तों ड्राइंग क्लिप आपकी छोटी बड़ी होती है तो आप उसे कोनों पर लगा सकते हैं, आपकी अगर छोटी बड़ी हो तो नहीं लगा सकते, इसलिए इसका भी प्रयोग किया जाता है, आप ये टेप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये सब जो मतलब सिस्टम दिखाए ये अभी और एक वीडियो आएगी तो उसमें मतलब इस बुक में ही टॉपिक है आपको बताने के लिए, तो उस वाले में भी बता दूंगा। तो इतना आप ले सकते हैं ड्राइंग में, और ड्राइंग में चार्ट शीट का पहले आप प्रयोग कीजिएगा, चार्ट शीट जो चार्ट पेपर आते हैं वही आपको लेना पड़ेगा, और दूसरा मत ले लीजिएगा। हाँ पन्ने पर भी बना सकते हैं पर पन्ना छोटा होगा तो आपको समझ नहीं, इसलिए आप चार्ट पेपर जो होते हैं उसे आप परचेज कर लीजिए। तो दोस्तों बस वीडियो में इतना ही, यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, उनको भी बताएं इंजीनियरिंग ड्राइंग यहाँ पर पढ़ाई जाती है काफी अच्छे से, और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नाइट।